नमस्कार, जयवंत दास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर पाली जिले के सोजा सिटी से है, जहां साहित्य सांस्कृतिक एवं वैचारिक संस्थान रुचिर विद्या साहित्य समिति के तत्वावधान में स्वतंत्रता सेनानी कवि व पत्रकार यशवंत रुचिर की 34वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रुचिर स्मृति साहित्य व सम्मान समारोह 2023 का आयोजन स्थानीय मोदी मोहल्ला स्थित सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता ख्यातनाम साहित्यकार अनिल अनवर जोधपुर ने की। वहीं अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोहम्मद रफीक बामासा, बालाराम चौधरी पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बसंत लखावत, वरिष्ठ साहित्यकार विनेंद्र लखावत मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज संस्था अध्यक्ष बिशन सिंह भाटी ने स्वागत भाषण से किया। कार्यक्रम में बाल साहित्य पुरस्कार पायल प्रजापत आलावास को दिया गया, जिसके तहत उसे चांदी का मेडल, साल, सम्मान पत्र और माला पहना कर सम्मानित किया गया। वहीं सोनीबाई सिरवी स्मृति साहित्य पुरस्कार 2023 जनकवि कैलाश दानचारण को दिया गया, जिसमें 11,000 रुपए नगद, साल, माला व सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान बालाराम चौधरी ने अपनी माता श्री सोना बाई की स्मृति में प्रदान किया। कार्यक्रम का सरस संचालन कवि नवनीत राय रुचिर ने किया। अतिथियों द्वारा कवि नवनीत राय रुचिर द्वारा रचित हाइकु संग्रह उड़ते पांखे का विमोचन किया। पुस्तक पर वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र लखावत ने पत्र वाचन किया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों का माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर बहुमान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार रशीद गोरी, हेमंत कुमार सिंघवी, विजय सिंह चौहान, हरीश चंद्र व्यास, शायर कवि अब्दुल सम्मद राही, गजेंद्र कुमार जैन, कवि मुकेश चौहान, महेंद्र मेहता, मोहन सिंह लखावत, राजेंद्र व्यास, भव्य व्यास, लोकेश श्रीवास्तव, राकेश भटनागर, बामासा जवरीलाल बोराना, वीना भटनागर आदि कई साहित्यकार व गणमान्य जन मौजूद रहे। सोजा सिटी से अब्दुल सम्मद राही की विशेष रिपोर्ट।